हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इस एक्सेल की सीरीज में स्मार्ट लुकअप का यूज देखेंगे। जो हमारा रिव्यू टैब में एक ऑप्शन होता है स्मार्ट लुकअप, वो हम कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और एक्सेल बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लिंक मैंने सारी टैब के एक्सेल के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। जितनी भी एक्सेल में टैब होती हैं वन बाई वन एक्सप्लेन की हैं, वन बाई वन, और एक एक छोटा छोटा ऑप्शन मैंने डिटेल में बताया, तो वो वीडियोस जरूर देख लेना। लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो आज हम सीखने वाले हैं रिव्यू टैब में स्मार्ट लुकअप का क्या यूज़ होता है। तो सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना इंटरनेट ऑन रखना है, क्योंकि ये होता क्या है, जैसे कि हम फाइनेंशियल पर यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि फाइनेंशियल क्या होता है, एक्सेल में इन चीज़ों का हमें नॉलेज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ से डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने स्मार्ट लुकअप पर अभी क्लिक करा सर्च करने के लिए। अब हमें यहाँ पर अगर कुछ भी वजह से एक्सेल में पता करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाउ टू यूज़। हमें क्या पता करना है, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं कमेंट। ठीक है, कमेंट इन एक्सेल, तो हमें इंटरप्रेस जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करेगा, नॉलेज हमें दे देगा कि एक्सेल में कमेंट का क्या यूज़ होता है। यहाँ पर बोल रहा है बाई डिफॉल्ट एक्सेल फॉर अ मैक डिस्प्लेस, तो अगर हम इसकी कमेंट के देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली क्लिक कर देना है इस लिंक पर। तो अब हमें क्या करना, गूगल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्टली यहाँ पर कर दिया क्लिक, और यहाँ पर उसने दिखा दिया इंसर्ट कमेंट एंड नोट्स इन एक्सेल, उसने बता दिया कि ये क्या होता है। यू कैन एड कमेंट्स टू सेल्स एंड व्हेन अ सेल हैज़ अ कमेंट एंड इंडिकेट्स अपीयर्स इन द कॉर्नर, बता रहा है कि जैसे कि आप कोई कमेंट डालते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने कोई कमेंट डाल दिया, यहाँ पर नेहा, नेहा के ऊपर मैंने के लिए एक न्यू कमेंट डाल दिया, जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ लोन इज 30,000। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। अब हमें ये बता रहा था, वहाँ पर लिखा हुआ था कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपीयर हो जाएगा नया लोन इज 30,000। तो बस सिंपली यही होता है स्मार्ट लुकअप का यूज़, ये हमें स्मार्ट बना देता है एक्सेल पर वर्क करने के लिए। जैसे कि अब हमें कुछ भी इसमें सर्च करना है तो हम देख सकते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर प्रोडक्ट का पता लगना है, यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ये क्या होता है, तो यहाँ पर हमें सिंपली यही लिखना है हाउ टू यूज़ प्रोडक्ट इन एक्सेल। जैसे ही आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो भी आंसर होगा इसका हमारे पास आ जाएगा, जैसे कि ये आ गया। अब हमें यहाँ से ही देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं, मोर पर क्लिक करके हम यहाँ से पिक्चर भी देख सकते हैं। जैसे कि हमने पिक्चर पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो भी इसकी पिक्चर आएंगी तो वो आ गई, देखिए दोस्तों, जैसे कि ये दिखा रहा है, इसमें इसने पूरी डिटेल बता दी, इसे कॉपी कर लेंगे। तो सिंपली यही होता है स्मार्ट लुकअप। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, आई होप कि ये दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी के बेल आइकन को जरूर दबा दो दोस्तों, और सब्सक्राइब करने से कोई पैसे तो करते नहीं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि जो ये एक्सेल की सीरीज चल रही है उस पर मैं लेटेस्ट टॉपिक पर वीडियोस बनाता रह रहा हूँ और आगे बहुत ही एडवांस तक चलने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं। तो लाइक जरूर करना एंड कमेंट कर भी मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।